गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग्य बड़ा या कर्म, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। अपने कर्म से लिखी हुई हमारी भाग्य की लकीर बदल दे। चलिए शुरू करते हैं। एक राज्य में एक और एक राजा का राज्य, दूसरी और दूसरे राजा का राज्य, दोनों सफल राजा अच्छे से अपनी जिंदगी बिता रहे थे, राज्य में रह रहे थे। लेकिन दोनों के माइंड में विचार आया कि उस राज्य के ऊपर लड़ाई करके वो राज्य भी अपना कर ले तो हमारा राज्य बड़ा हो जाएगा। अब दोनों के बीच में युद्ध होने का तय हो चुका। दोनों राज्य एक दूसरे के अपोजिट थे, एक छोर पे ये और एक छोर पे ये। दोनों राजा एक दिन एक महर्षि से मिलने गए। पहले राजा ने उनसे पूछा कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, आप मुझे बताएं। महर्षि ने कहा कि राजा, आपका भाग्य तो दिख रहा है कि विजय अवश्य आपकी ही होगी। ये सुनके उनका आशीर्वाद लेके वो राजा चला गया। दूसरा राजा ने महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि ने कहा, राजा आपका भाग्य में आपकी हार दिखाई दे रही है, तो अब आप क्या करेंगे? राजा ने कहा, महर्षि जो भाग्य में हार ही है तो ठीक है, लेकिन भाग्य जान के मैं हथियार डाल नहीं दूंगा, मैं अपने आखिरी दम तक लड़ूंगा। भले ना हार जाऊं लेकिन लोगों के लिए कैसे लड़ना है, कैसे अंतिम श्वास तक लड़ना है वो सिखाऊंगा। मैं अवश्य लड़ूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा, भले ही मेरे भाग्यों में हारना ही लिखा हो। वो राजा भी चला गया। युद्ध का दिन आ गया। दोनों राज्य के राजा और उनके सिपाही, उनकी पूरी सेना युद्ध मैदान में आ गई। लड़ना शुरू हुआ। जिस राजा को बताया था कि भाग्य में आपकी जीत लिखी है, वो राजा बिल्कुल बिंदास, जैसे कि अभी से उसने युद्ध जीत लिया हो, कोई परेशानी नहीं, बस सेना से कह दिया है हम तो जीतने ही वाली है। सेना भी बिल्कुल जैसे कि जीत लिया हो, शांति से, कोई ज्यादा मेहनत नहीं, लड़ना है तो लड़ो, आना है तो आओ, करना है तो करो, वैसे वो लोग लड़ रहे थे। और दूसरी ओर वो राजा जिनके भाग्य में लिखा था कि आपकी हार निश्चित है, वो राजा और उनका सेना इतनी मेहनत से लड़ रहे थे, मुकाबला कर रहे थे, अपना कर्म कर रहे थे। लड़ते 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 कब हारने वाला राजा जीत की ओर बढ़ने लगा, वो जीतने वाले राजा को पता भी नहीं चला। अरे उनका घोड़ा लड़खड़ाने लगा, फिर भी वो रथ से नीचे उतरने की कोशिश भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि मेरा भाग्य में लिखा है कि मैं जीतने वाला हूं। वो राजा गिर जाता है, दूसरे राजा उस पर आक्रमण करता है और वो राजा और उनकी सेना हार जाती है। और जिसके भाग्य में लिखा था कि वो हार जाएगा, वो राजा जीत जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जीतना और हारना भाग्य में लिखा होता है, लेकिन अपनी जीत या अपनी हार हम खुद तय कर सकते हैं। हम हमारे कर्म अच्छे कर सकते हैं। हमारे कर्म करना हमें छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा हमें हमारे कर्म करते रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, भाग्य बड़ा या कर्म, तो कौन सा बड़ा होगा आप ही बताइए, प्लीज कमेंट कीजिए, भाग्य या कर्म। मेरे हिसाब से कर्म, जो कर्म अच्छे होंगे तो भाग्य में भाग्य की रेखाएं हम खुद खींच सकेंगे।
ऊपर वाले ने सबका भाग्य लिख के भेजा है, लेकिन जो अपने कर्म के बल पे आगे बढ़ता है उसी को सफलता मिलती है, वो ही अपना भाग्य बदलने की ताकत रखता है। तो चलिए मेरे साथ आइए, अपने अच्छे कर्म कीजिए और अपना भाग्य खुद लिखिए। इसी अच्छी सोच के साथ मैं पत्रा लिखा जो हर रोज कहती हूँ, आज भी कहती हूँ। कीप स्माइलिंग ऑलवेज। बाय।